हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर नेट JRF 2021। तो ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन और सुप्रीम तरीके से हो, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बने। और आज का जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आर वेबसाइट, दैट इज researchphd.in, इन विच यू विल फाइंड डेली क्विजेज एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग PhD एडमिशंस। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम, द लिंक ऑफ वेबसाइट, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए आ जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन आज स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग। इनमें सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा होता है टीचर का इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग, लर्निंग करते वक्त या लर्निंग से रिगार्डिंग गाइडेंस देते वक्त। द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट इनटू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस, the development of insight to overcome the pitfalls and obstacles, the provision of encouragement and moral support, the provision of continuous diagnostic and remedial help. Least important ki baat kar raha hun main. I hope aap log chat pe answer kar rahe honge mujhe. B, the development of insight to overcome the pitfalls and obstacles. क्यों ये least important है? अगर मैं first की बात करूँ, the development of insight into what constitute an adequate performance. आप बच्चों को जब तक ये नहीं बताओगे कि adequate performance के क्या parameters हैं, एक adequate performance कैसे आप कर सकते हो, तब तक आपके students या आपके जो learners हैं वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो it is important to tell them the insight कि एक adequate performance की क्या definition होती है। अगर मैं सी की बात करूं, दी प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ पढ़ाते रहेंगे, कोई मोरल सपोर्ट नहीं देंगे, कोई मोटिवेशन नहीं देंगे, उनका एनकरेजमेंट नहीं करेंगे तो वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव देम सम मोटिवेशन, मोरल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट टू डू दी लर्निंग इन एन इफेक्टिव वे। दी प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल हेल्प, डायग्नोस करते रहना है ना, क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं, कैसे आप स्ट्रेंथ्स को एनहांस कर सकते हो, कब कैसे आप अपनी वीकनेसेस को रिड्यूस कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दे कैन सीक हेल्प फ्रॉम दी टीचर। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट टू ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, वैसे तो टीचर को पूरी कोशिश करनी कि कोई पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स आए ही नहीं जिससे वो ओवरकम करने की बात करे। उसकी टीचिंग इतनी इफेक्टिव और एफिशिएंट होनी चाहिए कि कोई पिटफॉल्स आए ना, है ना, क्योंकि पिटफॉल्स आते हैं और फिर आगे जा कर के यू नो यू गिव सम यू नो यू कैन से आप बच्चों को ये बोलते हो कि आप जो है इस पिटफॉल से या जो आपके साथ फेलियर्स हुए हैं, जो आपके ऑब्स्टैकल्स आए हैं, आप उसे ओवरकम करें, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक नेगेटिव यू नो अप्रोच आ जाती है अपने लिए। तो एक टीचर को अगर मैं इन चार ऑप्शंस की बात करूं तो लीस्ट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ये बताया गया कि टीचर को पिटफॉल्स और ऑब्स्टैकल्स नहीं लाने चाहिए, उसको इस तरीके से टीचिंग लानी चाहिए, इस तरीके से टीच करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को कि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए और बच्चों को कोई भी ऑब्स्टैकल्स या पिटफॉल्स आगे जा कर के नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय यू। कौन सी क्वालिटी ज़्यादातर होनी चाहिए एक टीचर के अंदर? आइडियलिस्टिक, फिलोसफी, कंपैशन, डिसिप्लिन, एंटरटेनिंग, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं अपने आप में और इसके आंसर भी बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। कंपैशन, कंपैशन क्या होता है? अगर मैं कंपैशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो इसका डेफिनेशन होती है द ह्यूमेन क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सफरिंग ऑफ अदर्स एंड वांटिंग टू डू समथिंग अबाउट इट, जस्ट लाइक अ टीचर डू। टीचर बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ एक सिंपति रखता है ना, कि इसको ये प्रॉब्लम आ रही है और इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर टू सॉल्व इट राइट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, है ना। तो एंटरटेनिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिसिप्लिन जो है ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अगर आपने रखी कि हाँ टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, दैट्स नॉट यू नो लाइक्ड मच बाय द स्टूडेंट्स एज अ टीचर।
और आइडियलिस्टिक फिलोसफी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टीचर की आइडियलिस्टिक फिलोसफी है, पर उस टीचर की सिर्फ आइडियलिस्टिक फिलोसफी होना सिर्फ नहीं होता है, आपको बच्चों के साथ कनेक्ट भी करना है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर नहीं कर पाता है, बस वो आ रहा है पढ़ा के चला जा रहा है, वो टीचर बहुत होशियार है, पर अगर वो पढ़ाई बच्चों के दिमाग तक ही नहीं पहुँच पा रही तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके अंदर एक कंपैशन होना चाहिए कि जो बच्चों को सफरिंग्स हो रही हैं या जो उनको किसी प्रकार का यू नो अंडरस्टैंड यू नो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको समझें और उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें जिससे जो है वो सही ट्रैक पे आ जाए और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे। इसलिए कंपैशन इज़ द करेक्ट आंसर। साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एडलर, जंग, फ्रूट या नन ऑफ दीज। साइको एनालिटिक अप्रोच, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पढ़ चुके हैं। किसने दी है साइको एनालिटिक अप्रोच? साइमन फ्रूड ने। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। आप लोग को मैं बता देता हूँ इसको इजी तरीके से, आपने पढ़ा होगा साइको एनालिटिक अप्रोच, ये साइमन फ्रूड ने दी हुई है। इसमें आपने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट इज योर आईडी, देन ईगो एंड देन सुपर ईगो, है ना। आईडी मतलब क्या होता है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि जिद्दीपना होता है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, बचपन में थे, है ना, हमें नहीं मतलब होता था कि क्या प्राइस है किसी चीज़ की, और हमें बस जिद करनी होती थी कि हमें ये चीज़ खरीदनी ही खरीदनी। ईगो क्या है, चलो इसको हासिल करने के लिए काम करते हैं। अब हम लोग ईगो स्टेज में हैं, अगर हमें कुछ चाहिए होता है, वी आर यू नो कैपेबल एनफ, तो हम मेहनत करते हैं, हम खुद अपनी अर्न करते हैं और फिर जो है उस चीज़ को खरीदते हैं। और सुपर ईगो क्या होता है, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉट द वे टू गेट इट, है ना। वो अपना, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है ना। कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमको बोलते हैं, बेटे तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो, बिकॉज उनका बोलना सही है, बिकॉज ही और शी हैज़ दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस कि वो आपको रोक सके कि ये गलत रास्ता है, आपको सही रास्ते में जाना है, या इसको इस तरीके से किया जा सकता है, ये सही तरीका है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हम पढ़ते हैं साइको एनालिटिक अप्रोच में या थ्योरी में, जो कि दी है साइमन फ्रूड ने। तो ये दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स रिलेशन टू मैन एंड गॉड इज डिस्कस्ड इन। यूनिवर्स को क्रिएट करने का क्या पर्पस है और भगवान और इंसान के बीच में क्या रिलेशन है, ये सब किसने बताया है? मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी या नन ऑफ दीज? मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स ने बताया है। क्या होता है मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी, एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, है ना, जो कि नॉलेज के बारे में बताते हैं। पहले मैं बता दूँ, this is basically it is a branch of philosophy that deals with knowledge. और metaphysics किसकी बात करता है? metaphysics बात करता है reality की। it is a branch of philosophy that examines the fundamental nature of reality including the relation between man between mind and matter। ये reality के बारे में बताता है। तो कई बार मैथ्स की फॉलोइंग में आए हैं क्वेश्चंस पेपर वन में reality, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि metaphysics जो है ये बताता है fundamental nature of reality जो रियल में है, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर, सब्सटेंस एंड एट्रीब्यूट, पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, इनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, जस्ट लाइक मैन एंड गॉड एंड ऑल अदर स्टफ। ठीक है, तो ये बताता है द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड द रिलेशन बिटवीन मैन एंड गॉड, मेटाफिजिक्स। अ कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज इन राइट ऑर्डर। एक जो अच्छी टीचर होती हैं, जो उनके पास नॉलेज होता है, वो किस तरीके से, किस अप्रोच को फॉलो करती हैं, एक सीक्वेंस में आपको लगाना है। पहले प्रैक्टिस आती है, फिर कॉन्सेप्ट, फिर थ्योरी एंड रिसर्च, क्या क्या आता है आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन बताते हैं बताना है। इट्स सी कॉन्सेप्ट पहले आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को जोड़ करके थ्योरी बनती है, उस थ्योरी को जब आप पढ़ते हो तो फिर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करते हो और उसके बेसिस पे आप आगे जा करके फर्दर रिसर्च करते हो। तो सी इज़ दी करेक्ट सीक्वेंस, है ना, कि किस तरीके से एक अच्छी टीचर जो है वो नॉलेज, साउंड नॉलेज गेन करती है। द वेदास टीच अस दैट, आजकल ये ऋग्वेद,
और साम वेद, इन सब के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं एक वेद का क्वेश्चन ले आया हूँ। वेद क्या बताता है हमको? क्रिएशन इज़ विदाउट बिगनिंग, क्रिएशन इज़ विदाउट एन एंड, क्रिएशन इज़ विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एन एंड, क्रिएशन हैज़ अ डेफिनेट बिगनिंग एंड ऑल्सो एन एंड। जो वेद होते हैं हमको किस चीज़ के बारे में बताते हैं? इट्स ऑप्शन सी कि क्रिएशन इज़ विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एन एंड, है ना। क्रिएशन की कोई बिगनिंग नहीं होती है ना, ना ही कोई अंत होता है, इसके बारे में वेद बोल रहे हैं। क्योंकि जो क्रिएशन है ना, ऐसे नहीं कि हाँ अब शुरू होगा क्रिएशन, इट इज़ टोटली यू कैन से अ कंटिंजेंट कॉन्सेप्ट जो अपने आप ही आता है और अपने आप ही उसकी एक है ना जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई स्पेसिफिक या डेफिनेट बिगनिंग या कोई एंड नहीं है। तो ये बताया गया है वेद के द्वारा, वेद यही टीच करता है और ये क्रिएशन के बारे में बताता है कि जो चीज़ बन रही है वो उसके कोई बिगनिंग नहीं है ना ही कोई एंड है। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ, बहुत इजी, अभी भी बताया मैंने कुछ देर पहले, किस चीज़ से रिलेटेड एपिस्टेमोलॉजी आपको बताता है? नॉलेज, नॉलेज के बारे में बताता है आपको एपिस्टेमोलॉजी, है ना, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। रियलिटी कौन बताता है? अभी पढ़ा हम लोगों ने मेटाफिजिक्स। अ चाइल्ड हु रीड्स डॉग एज गॉड फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं और आ भी सकते हैं। डॉग को गॉड पढ़ता है एक चाइल्ड, ये कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसप्लासिया, ये बहुत आइडेंटिकल हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, पर अपने को पता होना चाहिए। रीडिंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इट्स डिसलेक्सिया, पढ़ लेते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? ये लर्निंग डिसऑर्डर होता है, रीडिंग में प्रॉब्लम करते हैं इसमें, और लेटर्स और वर्ड्स को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, उल्टा सीधा पढ़ते हैं, तो ये आता है डिसलेक्सिया के अंदर। डिसग्राफिया राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग रिटन एक्सप्रेशन दैट इम्पेयर्स राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल्स, है ना, लिखने में जो दिक्कत करते हैं वो आ जाता है आपका डिसग्राफिया में। उसके बाद आता है डिसप्रैक्सिया, डिसप्रैक्सिया में ब्रेन जो ऑर्डर देता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे हैंड्स वगैरह मूव नहीं करते हैं, है ना, ब्रेन बेस्ड मोटर डिसऑर्डर होता है, मतलब देर इज़ नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ब्रेन एंड योर एक्टिविटीज़, है ना, योर मोटर एक्टिविटीज़, मोटर स्किल्स, तो ये होता है डिस्प्रैक्सिया के अंदर। और डिसप्लासिया के अंदर क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ऑर्गन्स की, और यू नो ग्रोथ इम्प्रॉपर होती है, ये आता है डिसप्लासिया के अंदर। तो डिसलेक्सिया इट्स रीडिंग, डिसग्राफिया राइटिंग, डिस्प्रैक्सिया ब्रेन बेस्ड मोटर डिसऑर्डर, एंड डिस्प्लासिया जो है एबनॉर्मल ग्रोथ की बात करता है। लास्ट क्वेश्चन, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर, एक टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हो तो कौन से दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके टेस्ट में होनी ही चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, या प्रैक्टिकेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, इन सब के ऊपर एक बहुत यू नो कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया हुआ है, आप रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट्स की ऑलरेडी मैं बहुत सारी ईजी तरीके से वीडियोज़ बना चुका हूं। आप एक बार उसको पढ़ लो तो मैं अश्योर कर सकता हूं कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से प्यार हो जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो अराउंड आई कैन से 25 के अप्रॉक्स शायद उसमें वीडियोस हैं, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, और उसमें पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड कवर है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, सब चीज़ें। तो आप 1.5 या 2 की स्पीड में जैसे भी आपको लग रहा है आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस हैं नहीं, 15, 16, 17 ऐसे मिनट्स की वीडियोज़ हैं, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप
जो है MCQs अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो आई जस्ट रिकमेंड यू कि आप रिसर्च एप्टीट्यूड की, जो कि प्लेलिस्ट में नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको नहीं मिलती तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नीचे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड कवर है, पेपर वन प्लस PhD एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे हैं, मुझे याद आया कि कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाइए, तो मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप उसको देखिए, और बाकी मैं MCQs या PYQs के बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवा ही रहा हूँ। तो इसका आंसर है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत अच्छी वीडियो है कि किस तरीके से रिलायबिलिटी क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है, क्या इसके टाइप्स हैं और अदर स्टफ। सो कंसिडर यू नो रिकमेंडिंग those videos and it will increase your concept clarity. So this was the complete video. I hope आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा हमारी क्लास अटेंड करके। इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके वीडियो, और बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।